हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू वशिष्ठ एकेडमी और मैं हूं ऋषभ शर्मा। और आज की वीडियो में जैसे कि आपको पता है कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन हमारा आने वाला है, साथ ही साथ जो सभी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, क्लास ट्वेल्थ के बच्चे या जेई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए LPP के क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करने होते हैं। बहुत ही छोटी सी ट्रिक होती है LPP के क्वेश्चन सॉल्व करने की। आपने देखा होगा बोर्ड एग्जामिनेशन में LPP का क्वेश्चन आना तय ही होता है, चाहे वो 4 मार्क्स का है चाहे वो 6 मार्क्स का है। अब मेरे को जहाँ तक लग रहा है 80 मार्क्स के एग्जामिनेशन में पॉसिबिलिटी पूरी पूरी है कि वो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं लाई करेगा। पर जब तक आपका बोर्ड एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का आता था, उस समय पर जो ये क्वेश्चन होता था ये हमारा 6 मार्क्स का आता था। जैसे कि जब मैंने बोर्ड एग्जामिनेशन दिया था तो मेरे टाइम पर ये 6 मार्क्स का आया था। अब कुछ बातें होती है जो LPP के क्वेश्चंस में ध्यान रखनी होती है, लाइक हमें हमारा फंक्शन कैसे मिलेगा, जेड कैसे मिलेगा सर, टेबल कैसे फॉर्म करें। सबसे जो मेन टफेस्ट स्टेप जो बच्चों को लगता है वो टेबल बनाना। सर वो किसको किस साइड में रखें और वो हमारे कंस्ट्रेंट्स किस तरीके से तैयार हो, सबसे मुश्किल होता है पार्ट। उस स्टेटमेंट को, इतने बड़े पैराग्राफ को कंस्ट्रेंट्स में कन्वर्ट करना। बाकी तो आगे ग्राफिकली तो कोई भी सॉल्व कर लेता है, 10th का बच्चे भी वो चीज़ सॉल्व कर सकता है इजीली, कोई टफ काम उसमें होता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। एक क्वेश्चन की मदद से हमें पता चलेगा कि किस तरीके से अपन को ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैंने वो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया ढूंढा है, जो कि आपको दिख रहा होगा कि ये प्रॉबेबली 4 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है ध्यान दीजिए, आपको दिख रहा होगा ये 4 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है ना। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर बोला गया, देखिए सबसे बड़ी बात होती है, सबसे बच्चों को जो दिक्कत आती है, सर यहाँ से लेके यहाँ तक पहले पढ़ेंगे, सर पढ़ना स्टार्ट करा शुरू का याद था, आखिरी में आते आते शुरू का भूल गए। हम दोबारा जाते हैं, शुरू का याद करा आखिरी का भूल गए, सर इसमें करना कैसे है। सबसे पहली बात, ऐसे टाइप को क्वेश्चन करने के लिए आपको कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशन ही तो रखना है, और कुछ रखना थोड़ा ना, आपको इसी चीज का ही तो ध्यान रखना है आपको, कि आप क्वेश्चन समझ पाओ, आपको पता चल पाए कि कौन सा कंस्ट्रेंट किस जगह पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट हमें करनी होगी। जैसे मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं इजीली। एक सेकंड रुक जाइए बस, शेप्स का ऑप्शन नहीं है, चलो ठीक है, कोई नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे हम, कोई नहीं, अपन जो है क्वेश्चन इसी प्रकार से करेंगे जैसे अपन करते आए हैं। हमें कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले इसका टेबल बनाना है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले इसका टेबल क्रिएट करना है। अब ये टेबल किस तरीके से करना है ध्यान दीजिए। एक कंपनी है अ फॉर्म मैन्युफैक्चरर्स, पहले मैं आप लोगों के क्वेश्चन रीड करके दिखा रहा हूँ। अ फॉर्म मैन्युफैक्चरर्स 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी। हमें पता चला 2 टाइप के प्रोडक्ट हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। इसका मतलब प्रोडक्ट ए हमारा कहीं ना कहीं एक्स और प्रोडक्ट बी हमारा कहीं ना कहीं वाई हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है सर। एंड सेल्स देम एट द प्रॉफिट ऑफ ₹5 पर यूनिट टाइम, और सॉरी पर यूनिट ऑफ अ टाइप ए एंड ₹3 पर यूनिट ऑफ टाइप बी। यहाँ पर हमें प्रॉफिट दे रखा है दोनों प्रोडक्ट्स का, कि प्रोडक्ट ए में उसको कितना प्रॉफिट होता है पर यूनिट और प्रोडक्ट बी में उसका कितना प्रॉफिट होता है पर यूनिट। ईच प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड ऑन 2 मशीन्स। हमारा जो दोनों प्रोडक्ट है दोनों मशीन्स पर बनाया जाता है, एक है M1 एक है M2, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको सोच सकता हूँ, आप लोग भी सोच सकते हो, 2 प्रोडक्ट है ए बी, हमारे को प्रॉफिट ₹5 का पहले वाले पे, दूसरे वाले पे ₹3 का। दोनों प्रोडक्ट को एक मशीन M1 एक मशीन M2 दोनों जगह पर ध्यान से पढ़ाया जा रहा है,
वन यूनिट ऑफ टाइप ए रिक्वायर्स, अच्छा अब समय की बात आ जाती है, टाइप ए को 1 मिनट चाहिए होता है प्रोसेसिंग टाइम का मशीन वन पे, और 2 मिनट का समय लगता है प्रोसेसिंग टाइम का मशीन टू पे, जबकि जो टाइप बी होता है उसे 1 मिनट का समय लगता है एम वन पे और 1 ही मिनट लगता है एम टू पे। मशीन एम वन और एम टू आर रेस्पेक्टिवली अवेलेबल फॉर एटमोस्ट 5 hours and 6 hours a day। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। फाइंड आउट हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ईच टाइप ऑफ प्रोडक्ट शुड फर्म प्रोड्यूस अ डे इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। सबसे पहले देखो कि मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना किसे है। सर जी प्रॉफिट को करना है, इसका मतलब जो हमारा जेड होगा वो प्रॉफिट का बनेगा। फटाफट से कोने में लिख लो, इसका मतलब जो हमारा जेड होगा वो प्रॉफिट का बनेगा। क्यों प्रॉफिट का बनेगा? सर हमें क्लियर आउट हो चुका है भैया, जो जेड होता है हमारा, है ना, जो हमारा मेन फंक्शन होता है जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है उसे देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए ठीक है, अब जैसे इसका टेबल बनाते हैं, सबसे पहले तो जहां तक मुझे लग रहा है एक काम करता हूं, कुछ लोग इसे हॉरिजॉन्टली भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, पर मैं हमेशा x और y को वर्टिकली लेके चलता हूं। पता नहीं क्यों मेरे को यह आदत लग चुकी है, ठीक है ना, हमेशा मेरे को आदत लग चुकी है कि मैं x और y को वर्टिकली लेके चलता हूं। बच्चे हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं, आपको जैसा सही लगे आप वैसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा सबसे पहले अपन को प्रॉफिट दे रखा है, कितने रुपए का है भाई? सर इस पे तो 5 रुपए का है और इस पे 3 रुपए का है, ठीक है। अच्छा मशीन वन पर भी बन सकता है और मशीन टू पर भी बन सकता है। मशीन वन पर ये समय कितना लेता है जल्दी बताइए? सर ये 1 मिनट लेता है, और ये कितना लेता है? बी, अरे पढ़ो ना यार, यार देखो तुम ना समझ नहीं रहे बात को, देखो दोबारा सुनो, है ना, देखिए ईच प्रोडक्ट ऑन टू मशीन्स एम वन, टाइप ए को 1 मिनट लगता है मशीन एम वन पर और 2 मिनट लगते हैं एम टू पर, 2 मिनट लगते हैं एम टू पर, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 2 मिनट इसको लग रहे हैं एम टू पर, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे 2 मिनट, गलत लिख दिया मैंने, ठीक है ना, छोटी सी गलती होगी मेरे से, ठीक है इसको मिटा देते हैं अपन और आगे बढ़ते हैं, है ना, और आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर। अपन को पता चल गया प्रोडक्ट ए एम वन पर 1 मिनट लगाता है, एम टू पर 2 मिनट्स लगाता है। सर आगे टाइप बी 1 मिनट देता है एम वन पर, ठीक है सर, है ना, और 1 ही मिनट देता है एम टू पर। आपको यही चीज तो देखनी होती है मेन यार, कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, हमें किस प्रकार से उसका फॉलोअप करना चाहिए और कैसे वो क्वेश्चन हमारा समाप्त हो सकता है। अब इसको मैं अपना टेबल घोषित कर दूंगा, है ना, थोड़ा गंदा सा है बट काम चला लीजिएगा, समझ आ जाएगा आपको, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ दे रखी है इन्होंने, क्या दे रखी है जल्दी देखिए, क्या दे रखी है जल्दी, एम वन एंड एम टू रेस्पेक्टिवली अवेलेबल फॉर एटमोस्ट 5 hours and 6 hours इन अ डे, फाइंड आउट हाउ मेनी यूनिट्स, ठीक है। अच्छा सर हमें मशीन्स की भी लिमिट दे रखी है, इसका मतलब मैं एक और ग्राफ बनाऊंगा और मैं यहाँ पर लिख दूंगा अवेलेबिलिटी, है ना, अवेलेबिलिटी लिख देंगे कि भैया मशीन वन की अवेलेबिलिटी कितनी है जल्दी बताइए। सर 5 घंटे की है, एक काम करो ये मिनट में है तो 60 से मल्टीप्लाई कर लो और मिनट्स में कन्वर्ट कर लो और आपका आंसर आ गया 300 मिनट। साथ ही साथ आप क्या करिए, 6 घंटे को आप मिनट्स में कन्वर्ट कर लीजिए इंटू 60, ये आपका कितना आ गया जल्दी बताइए, 360 मिनट आ गया, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, आई नो मैं आ रहा हूँ इस साइड को, बट इट्स ओके। अब ध्यान दीजिए भाई, हमें पता चल चुका है, ध्यान दो, दोबारा समझा रहा हूँ मैंने टेबल कैसे बनाया और क्या लॉजिक लगाया। मैंने देखा कि 2 प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं ए और बी, और दोनों का प्रॉफिट दे दिया है, ठीक है, अलग अलग, है ना, दोनों प्रोडक्ट 2 मशीन्स पर बनता है, एक हमारी है एम टू, एक हमारी है एम वन, और टाइप ए जो है समय लेता है 1 मिनट का मशीन एम वन पर और 1 मिनट ही, सॉरी 2 मिनट एम टू पर। तो मैं आप इसे हॉरिजॉन्टली भी ले सकते हो, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे ले सकते हो, परंतु मैंने अपनी ईज के लिए, अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि मैं 12th क्लास से, जब से मैंने
एलपीपी सीखी है और पिछले 4 साल से जब से मैं 12th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैं उन्हें सदा ऐसे सिखाता हूँ कि आप एक्स और वाई एक्स को, एक्स और वाई वेरिएबल को हॉरिजॉन्टल लीजिए, सॉरी वर्टिकल लीजिए। हॉरिजॉन्टल में कभी कभार कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, अकॉर्डिंग टू मी आपको जैसा लगे आप अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, मशीन की भी लिमिट दे रखी थी, ठीक है सर, ठीक है, डन 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 डन, चलिए ठीक है, बहुत सिंपल सा अब तो हमारा बन ही गया सर। फटाफट से सारे बच्चे बता दो, एक तो सबसे पहले अपन का जेड बता दो, जल्दी बताओ। हाँ भाई, जेड मैक्सिमाइज कर किसे करना है? सर प्रॉफिट को करना है। कितना हो जाएगा? 5x + 3y। बहुत बढ़िया। अरे भाई पल्ले पड़ रहा नहीं पड़ रहा यार तुम लोगों को? ध्यान दो सारे बच्चे, दोबारा समझा रहा हूँ। कितना हो जाएगा सर जी? 5x + 3y। बहुत बढ़िया, ये हमारा z फंक्शन आ गया जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है, जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है, ध्यान दीजिएगा, जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है। बहुत बढ़िया, चले अब हम इसके क्या बनाते हैं? कंस्ट्रेंट्स बनाते हैं भैया। क्या बनाते हैं? कंस्ट्रेंट्स। सर जी सदाबहार कंस्ट्रेंट क्या भाई? क्या? अरे एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अरे क्या बात कर दी यार, पता था? बहुत बढ़िया, चलो एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हमारा कंस्ट्रेंट तो सदाबहार होता ही है। सर दूसरा कंस्ट्रेंट एम वन पे बना दो। कैसे बना दो भाई, जल्दी बताओ। एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 300। अरे रुको 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 रुको, हाँ भाई बोलो। सर डाउट आ रहा है, इसे समझाओ, दोबारा समझाओ एक बारी, ये कैसे कर दिया आपने भाई? ध्यान दो, मैंने केवल और केवल मशीन वन को लिया, दोबारा बता रहा हूँ कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करने का। मैंने मशीन वन के लिए लिया, मैंने कहा भैया ये एक्स इंटू वन प्लस वाई इंटू वन, ये पूरा टाइम जो मशीन वन दे सकती है वो केवल और केवल आपके 300 मिनट या 300 मिनट से कम दे सकती है। ध्यान दीजिए, एटमोस्ट 5 आवर्स, एटमोस्ट बोले तो मम्मी मैं ज्यादा से ज्यादा 5 रोटी खा सकता हूँ। अब मैं उसमें मैं 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं, 4 खाऊं या 5 खाऊं, पर आप 6 नहीं खा सकते। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। ठीक है, चले बहुत बढ़िया सर, ठीक है अपन की पहली क्वेश्चन आ गई सर, दूसरी भी बना दो यार इसी बात पे सर, इसी खुशी में दूसरी और हो जाए यार, है ना। चले बहुत बढ़िया, अब दूसरी पर ध्यान दीजिए। दूसरी में जो एक्स है वो डबल करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 2 है, 2x + y लेस देन इक्वल टू 360। ठीक है सर, ठीक है सर जी, सब कुछ समझ आ गया अपन को, और ये जैसे जैसे होना था वैसे वैसे भी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको कुछ भी नहीं करना, आपको कोने में क्या करना है, एक्स वाई का एक टेबल बनाना है, एक्स और वाई का, है ना। और आपको कुछ भी नहीं करना, आपको यहाँ पर इक्वालिटी लगा देनी है, मतलब कि आप इसको लिख दीजिएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 300, और इसको आप लिख दीजिएगा 2x + y = 360। आपके पास पहली क्वेश्चन ये हो गई। इन दोनों लाइंस को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, दोनों के इंडिविजुअल ऐसे ऐसे करके टेबल बनेंगे आपके पास। ये एक 1 का कर देना, ये 2 का, ये आप 9th क्लास में भी करा होगा, ये आपने 10th क्लास में भी करा होगा, ये आपने 11th क्लास में भी करा होगा। तो ये वाला स्टेप मैं छोटा सा स्किप मार देता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट इस वीडियो में कम से कम हो। जो आपकी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आएंगे आपका, उससे कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। मैं एक्सपेक्टेड ग्राफ बना रहा हूँ, आप इसको ड्रॉ करके बनाइएगा ज़रूर कैसा ग्राफ आपका बन रहा है। मेरे ख्याल से आपका ऐसा ग्राफ बनेगा और एक लाइन आपकी ऐसे जाएगी, आपका एक ऐसा ग्राफ बनेगा, एक लाइन आपकी ऐसे जाएगी। बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सर बात आती है शेडेड रीजन की। भाई मेरे शेडेड रीजन बहुत सिंपल होता है, आपको एक्स की जगह 0 डाल दो, जल्दी 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 डाल के दिखाओ सारे बच्चे। एक्स की जगह 0, 0 + 0, क्या 0 + 0 कितना आता है? 0। क्या 0 300 से छोटा हुआ है? सर होता है, बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब जो ये पहली वाली लाइन है हमारा, इसका जो है अंदर की तरफ जाएगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन जाएगा। ये वाली क्वेश्चन बता देता हूँ, ये वाली क्वेश्चन हमारी 2 है, ये वाली क्वेश्चन हमारी 1 है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। तो इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई, क्या क्लियर हो गई सर जी? कि सर पहले वाले का अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है ना, पहले वाले का ऐसे ऐसे वही से अब इबते अंदर अंदर जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा सर दूसरे वाले का, दूसरे वाले का
सर दूसरे वाले का निकाल लो, 0 + 0 < 360, क्या 0 + 0 = 0, 360 से छोटा होता है? सर बिल्कुल होता है, तो इसका मतलब इसका रीजन ये होगा। अरे भाई इस लाइन और इस लाइन का कॉमन शेडेड रीजन तो ये निकल के आएगा ना, कॉमन रीजन जहां पर ये दोनों का लाई करता है, मतलब सेम सेम वो है, क्या बोले अपन बोले तो एरिया, कुछ भी बोल दो एरिया बोल दो। अब आपको कुछ भी नहीं करना, केवल आपको ये कॉर्नर पॉइंट कैलकुलेट कर लेना है। ध्यान रखिएगा ये आपके पास 0 0 होगा ही, ये आपको कॉर्नर पॉइंट पता ही होगा। ये कॉर्नर पॉइंट कैसे निकालोगे, दो लाइन है इन दोनों को मैं एलिमिनेशन मेथड लगा देना, एलिमिनेशन मेथड लगा देना, और जैसे ही आप एलिमिनेशन मेथड लगा दोगे आपको ये वाला पॉइंट भी प्राप्त हो जाएगा, ये वाला पॉइंट भी आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। जैसे ही आपके पास ये वाला पॉइंट अवेलेबल हो जाएगा आप एक प्यारी सी टेबल बनाइएगा जिसमें आप एक्स और वाई की वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे जेड में, और जो मैक्सिमम आ जाएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमें जो है बेसिकली मेरे को मेन फोकस करना था इस वाले पार्ट पे, मैं आपको उससे पॉइंटर से दिखा देता हूँ, मेरे को इस वाले पार्ट पर मेन फोकस करना था, टेबल कैसे बनाई जाती है और दूसरा ग्राफ तक की कहानी, एक और दो, मेरे को दो कहानियां बतानी थी, बाकी तो आगे ही कैलकुलेशन है। एक क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए होमवर्क के लिए दे देता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं, ये आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये लगभग 6 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके CBSE के बोर्ड एग्जामिनेशन में, आपको काफ़ी सारे फेमस सैम्पल पेपर्स में भी ये क्वेश्चन आपको मिलने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। आप इसको ट्राई करिए, मैं इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए कि सर इसका आंसर ये आ रहा है, मैं आपको येस या नो में या करेक्ट या नॉट करेक्ट में आपको उसका रिप्लाई करूँगा, जी हाँ मैं खुद। और चैनल को सब्सक्राइब मार देना यार, मैं आपके लिए हमेशा मेहनत करता रहा हूँ करता रहूँगा। आपको इसी तरीके की और वीडियोस चाहिए हो, कोई भी टॉपिक आपको कवर करना हो, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं और उस पर लाइक कर लीजिएगा तो मेरे को समझ आ जाएगा कौन सी वीडियो बच्चों को चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मे गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।